दिन भर मैं हूं शेख जुई, तो करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। एनसीआर की तरह ही अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अब पुराने वाहन नहीं चल सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से जयपुर के दोनों आरटीओ को निर्देश दिए गए कि डीजल के 10 साल पुराने वाहन और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों की एंट्री अब जयपुर में नहीं होगी। इसके साथ ही इन वाहनों की आरसी भी अब रिन्यू नहीं होगी। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के ऊपर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी और देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज होने की संभावना जताई गई है। झलावाड़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम झलावाड़ शहर के हीरानगर इलाके में हुआ, जहां महाराणा प्रताप के स्मारक पर देर शाम 5100 दीपकों से महाआरती की गई। इस दौरान शहर के सैकड़ों की संख्या में नागरिक मौजूद रहे। झलावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के सरवर गांव के पास छोटी कालीसिंध नदी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ की मौत हो गई। परिजन मृतक को 108 एम्बुलेंस से सीएससी चौमेला लाए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया और शव को मोचरी में रखवाया। परिजनों ने पुलिस को दिए बयान के अनुसार मृतक संतोष नाथ अजयपुर गांव से अपनी बाइक से आ रहा था कि सुबह 4 बजे किसी अज्ञात वाहन से उसे टक्कर मार दी, जिससे संतोष नाथ की मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति तलवाड़ा झील में करीब 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी के मामले में तलवाड़ झील के ग्रामीणों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हेरा फेरी के मामले में तलवाड़ा झील पुलिस ने समिति के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण चंदू को गिरफ्तार किया था और ग्रामीणों का कहना है कि हेरा फेरी के जिस मामले में पुलिस ने पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, उसी मामले में सहकारी समितियों के उप रजिस्टर और भूमि विकास बैंक के सचिव ने जांच में आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की कि उप रजिस्टर और भूमि विकास बैंक के सचिव को पद से हटाया जाए। सुनिए उप रजिस्टर मनोज मान ने क्या कुछ कहा। ये तलवाड़ा झील ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो वित्तीय अनियमितता और गबन हुआ उससे संबंधित प्रकरण है। उप प्रकरण में राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 की धारा 55 की जांच DR ऑफिस में कार्यरत निरीक्षक इंद्रजीत बिश्नोई के द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने जितनी गबन की राशि समथिंग 8 करोड़ समथिंग राशि जो थी उसके लिए व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक को उत्तरदायी ठहराया था। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विवेक कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने के लिए भारतीय दंड संहिता की नई धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 जोड़ी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर सिग्नेचर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए की वितरित किए जाएंगे। कंगना रनौत CISF कांस्टेबल घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, वह गुस्सा था उन्होंने, यानी कंगना रनौत ने पहले भी कुछ कहा था और CISF कांस्टेबल के दिल में इसे लेकर गुस्सा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके जवाब में एक सार्वजनिक व्यक्ति, एक फिल्म स्टार और एक नव निर्वाचित सांसद होने के बावजूद यह कहना कि पूरा पंजाब आतंकवादी गलत है। सुनिए भगवंत मान ने क्या कुछ कहा। देखो पता की देखो ओहो एक गुस्सा है, उन्हें पहला इस तरह का बोलिया होया तो ओदा गुस्सा कितने ना कितने उस कुड़ी दे दिल च होना नहीं चाहिए सी इस तरह है ना। पर ओदे जवाब दे विच एक पब्लिक फिगर होने के नाते, भावें वह फिल्म स्टार भावें इलेक्टेड MP बन गए, ये कहना कि सारा पंजाब ही अतवादी है, सारा पंजाब अतवाद, ये मतलब ये गलत, इस तरह नहीं होना चाहिए कि सारे वो पंजाब है जिन्हें देश लैके दिता है, वो पंजाब है जो देश का पेट पालता अज भी 130 लाख मीट्रिक टन कणक देऊंगा हूं ऐसे सीजन च। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने JDS के निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि विवादित वीडियो मामले में प्रज्वल रेवन्ना अप्रैल में देश छोड़कर भाग गया था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखेड़ी से आ रही बस पर आतंकियों ने बीते दिन हमला किया। श्रद्धालुओं से भरी इस बस पर 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। इस आतंकी हमले में 9 श्रद्धालु मारे गए, वहीं 33 यात्री घायल हो गए। इस हमले में मारे गए लोगों में राजस्थान के भी 4 लोग शामिल थे।
आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब पर रूबरू होंगे। शुक्रिया।